एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप है वो बंद, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, लोएस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से लोएस्ट नंबर ऑफ मेंबर पार्टनरशिप का कितना होना चाहिए, दो। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कम से कम मेंबर कितना होगा, दो। इन विच ईयर द कंपनी एक्ट इन इंडिया वाज अमेंडेड, कौन सा ईयर में कंपनी एक्ट नया बना था, 2013, ताज़ा है। विच टाइप ऑफ कंसर्न ऑफ इंडियन रेल है, इंडियन रेल किससे संबंधित है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वाट इज द मिनिमम नंबर, देख पा रहे हैं ए कहाँ पे हम लोग, वाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या है इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 10। हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज इन 1969, 14 तो बैंक नेशनलाइज हुआ था, 14। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्यार से कहते हैं आरबीआई, इक्विटी कैपिटल को कहते हैं ओन्ड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स नहीं आता है, आ रहे हैं चलिए बोल तो दिए। व्हाट इज इंडस्ट्री, ए इंडस्ट्री का क्या डेफिनेशन था, वेयर द रॉ मेटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, वेयर द रॉ मेटेरियल कन्वर्टेड इनटू। व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। प्रोफेशन कौन सा एक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए चाहिए स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। एग्जम्प्लीफाई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो लोन का काम करेगा अपने मेंबर को सस्ता लोन देता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड्स लोन टू मेंबर एट अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिफाइंड कंपनी, कंपनी मीन्स कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट, बीपीओ नहीं आ रहा, ज्वाइंट सेक्टर आ रहा है, ज्वाइंट सेक्टर आर दो सेक्टर विच आर ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाई द स्टेट। एग्जाम्प्लीफाई ज्वाइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, मारुति उद्योग। चलो व्हाट डू यू मीन बाई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस ईयर, लिखवाए थे उसी क्लास में, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस ईयर मीन्स एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। डिविडेंड बाकी लग गया ना, अगला साल देंगे, इस साल का डिविडेंड 10,000 बाकी लग गया, अगला साल लेंगे आपसे, अगला साल बाकी लगा दिए फिर अगला साल लेंगे, क्यूमुलेटिव होते जाएगा, क्यूमुलेटिव। चलो ए व्हाट इज बीआरआर चेक, बीआरआर चेक मींस पेमेंट मेक एट द बैंक काउंटर, पेमेंट मेक एट द बैंक के काउंटर पे जो पैसा मिल जाएगा उसे बीआरआर चेक कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टेंपरेरी अरेंजमेंट ऑफ लोन, टेंपरेरी अरेंजमेंट ऑफ लोन इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, नहीं आ रहा है, राइट डाउन टू एडवांटेजेस आ रहे हैं, बोल तो दिए, राइट डाउन टू एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स नहीं आ रहा। ग्रुप बी में आओ, द फुल फॉर्म ऑफ FDI, FDI का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बोलो क्या बोले हैं, UTI कब बना था, 1964। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज अ सोर्स ऑफ क्या है भाई, इंटरनल कैपिटल, कौन सा कैपिटल। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। स्पेंसर साइपर क्या है भाई, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्पेंसर साइपर क्या है, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाई, कौन बनाएगा, कस्टमर, कौन बनाएगा, मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का मेन बेसिस क्या है, स्पेशलाइजेशन। EU का मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन, ये सब क्लास में लेक्चर चला था। व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द What is known as fictitious asset? Market value of fictitious asset will be zero. No realizable value of asset. No realizable value of asset. फिर क्या है? What is reserve? Reserve क्या भाई? Reserve is a amount set aside of profit. Profit में से काट के side कर दो, उसे reserve कहते हैं। उसके बाद क्या भाई? Debenture. Debenture is a certificate of loan which is issued by company to raise fund from debenture holder. Debenture is a certificate of loan which is issued by company to raise fund from debenture holder. उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्या भैया, माइक्रो बिजनेस है, माइक्रो बिजनेस किसको बोलेंगे, अप टू 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग, अप टू 10 लाख सर्विस।
हु आर होलसेलर, होलसेलर कौन है भाई? हु बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन, गुड्स का खरीदा बेची जब हम ज़्यादा मात्रा में करेंगे उसे क्या कहते हैं? होलसेलर। उसके बाद क्या भाई? रिटेलर, रिटेलर मीन्स अ पर्सन हु बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन कौन सा क्वांटिटी? स्मॉल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। जब देश के सीमा के अंदर धंधा करेंगे उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड, और जब देश के धंधा के बाहर करेंगे उसे क्या कहेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। उसके बाद क्या? व्हाट इज मीन बाई एक्सपोर्ट ट्रेड? वेन वन कंट्री गुड्स सोल्ड टू अनदर कंट्री, गुड्स सोल्ड टू, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। खत्म।